गाइस बी टाउन हॉप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत वेब सीरीज से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रामायण मूवी तो बनने जा रही है, लेकिन रामायण टीवी सीरियल जो कि पहले आती थी दूरदर्शन पर, जो कि रामानंद सागर द्वारा निर्मित की गई थी और आज भी दर्शकों को पहली पसंद वही बनी हुई है। यदि आज भी रामानंद सागर के रामायण टीवी पर आती है तो दर्शक उतने ही चाव के साथ उसे देखते हैं। अब जाकर रामायण के निर्माता भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित मूवियों की सीरीज बनाने का विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में स्वयं मेकर्स ने आज अनाउंसमेंट की है। जब से खबर सोशल मीडिया पर आई है और कोई इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित इस मूवी का नाम श्रीमद् भागवतम रखा गया है। 1987 में आई रामायण के मेकर्स ने एक और अनाउंसमेंट किया है जिसने दर्शकों को काफी खुश कर दिया है। बता दें कि रामायण टीवी सीरियल के निर्माता अब श्रीमद् भागवतम पर सीरीज बनाने जा रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित रहेगी और एक फिल्म होगी या एक सीरीज होगी जल्द ही पता चल जाएगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं के बारे में बताएगा। अभी सिर्फ इस मूवी के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है, फिल्म के बारे में अभी सारी अपडेट नहीं आई है, जल्द ही मेकर्स द्वारा पेश की जाएगी। तो वहीं मूवी में मुख्य किरदार के लिए पैन इंडिया कलाकार को कास्ट किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में कौन सा एक्टर भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाएगा, अभी इनको लेकर मेकर्स विचार कर रहे हैं। ये मूवी कब तक फ्लोर पर आएगी और फिल्म कब सिनेमा घरों में रिलीज होगी, इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ इतना ही इनका टाइटल मिला है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी बनती है तो देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।